जयपुर से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर चल रहा है। राजस्थान के सीएम फेस पर जोरदार मंथन हो रहा है। रेस में सबसे आगे मानी जा रही है वसुंधरा राजे सिंधिया, जो कि दिल्ली दौरे पर है। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष से मुलाकात की। दूसरे दावेदार भी आलाकमान से मिलकर दावेदारी जताने में पीछे नहीं है। राजस्थान के सियासी खेल को समझने के लिए आपको कुछ बातें समझनी होंगी। चुनाव नतीजे आने के 5 दिन बाद भी राजस्थान में सीएम के फेस पर सस्पेंस बरकरार है। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा अब तक तय नहीं हो सका है। जयपुर से लेकर दिल्ली तक मंथन का दौर जारी है। मुख्यमंत्री की रेस में कई चेहरे हैं। वसुंधरा राजे, बाबा बालकनाथ, दिया कुमारी, गजेंद्र सिंह शेखावत और अश्विनी वैष्णव के नाम सत्ता के गलियारों में घूम रहे हैं। इनमें सबसे खास है वसुंधरा राजे का शक्ति प्रदर्शन और फिर उनका दिल्ली दौरा। वसुंधरा राजे इकलौता ऐसा चेहरा है जो इस समय रेस में सबसे आगे नजर आ रही है। यही वजह है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात के लिए वो दिल्ली पहुंची। दिल्ली में वसुंधरा राजे की जेपी नड्डा के साथ मीटिंग हुई। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि वसुंधरा राजे को बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने बुलाया था और वसुंधरा राजे का दिल्ली आने का मकसद राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात ही था। अपने दिल्ली दौरे पर वसुंधरा ने बहू से मिलने का बहाना कर सस्पेंस बनाने की कोशिश की। दूसरी तरफ राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी ने दावा किया है कि वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नाते शीर्ष नेतृत्व को शुभकामनाएं देने दिल्ली पहुंची है। गुरुवार देर रात वसुंधरा से मिलने के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सीधे अमित शाह से मिलने उनके घर पहुंचे। इसके ठीक पहले पीएम आवास पर अमित शाह और पीएम मोदी के बीच करीब 2 घंटे बैठक हुई। लेकिन पार्टी आलाकमान से मिलने मिलाने का काम सिर्फ वसुंधरा ने ही नहीं किया, बल्कि दूसरे दावेदार भी इसमें पीछे नहीं है। बुधवार को दिया कुमारी ने भी जेपी नड्डा से मुलाकात की। बाबा बालकनाथ और गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी गुरुवार को अमित शाह से मुलाकात की। यानी सीएम फेस पर सस्पेंस के बीच सियासी हलचल जारी है। वसुंधरा राजे राजस्थान में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है। उनकी ताकत विधायकों का समर्थन है, जो उन्हें जीत के बाद पहले ही दिन मिल गया। विधायकों के साथ बैठक को वसुंधरा का शक्ति प्रदर्शन माना गया। इसके अलावा एक खबर ये भी है कि बीजेपी के 5 विधायकों को एक विशेष होटल में रुकवा कर बीजेपी शीर्ष नेतृत्व पर दबाव बनाने की कोशिश की गई है। हालांकि इस दावे पर प्रदेश बीजेपी ने मुहर नहीं लगाई है। खुद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने इस दावे को नकार दिया है। मुख्यमंत्री की रेस में जितने भी चेहरे हैं वो सभी बीजेपी के 3 मुख्य रणनीतिकारों की ही पसंद है। किसी एक चेहरे को चुनने के लिए ऐसा संतुलन बनाना होगा जिससे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कोई नुकसान ना हो। यानी प्रदेश की जनता को ऐसा ना लगे कि कोई चेहरा उन पर थोपा गया है। बावजूद इसके अब आगे क्या होगा, किस चेहरे पर मुहर लगेगी, किसी को नहीं पता। खैर, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।